मध्य प्रदेश के सागर के नन ट्रेनिंग सेंटर से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडला जिले के घुघरी ब्लॉक के एक गांव की रहने वाली नाबालिग आदिवासी लड़की करीब एक वर्ष पूर्व मंडला से सागर जिले के रहली में स्थित चर्च, जो कि नन ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें परिजनों की सहमति से खाना बनाने का काम कर रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले तक लड़की की उनके परिजनों से बात होती रही। अचानक से लड़की का मोबाइल बंद हो गया और रहली चर्च से परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी चर्च से गायब हो गई है, जिसके बाद 28 मई को मंडला थाना व बाल आयोग की बेंच में लड़की के लापता होने की शिकायत परिजनों द्वारा की गई। मामला गंभीर होने के कारण पीछे 3 दिन पूर्व आयोग की टीम लापता लड़की के पिता व अन्य परिजनों के साथ रहली पहुंची थी। बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह के साथ अन्य टीम के सदस्यों को जानकारी लगी कि नाबालिग लड़की के परिजनों से खाना बनाने का कहकर धोखे से नन की ट्रेनिंग देने रहली चर्च लाया गया था। फिलहाल बाल आयोग के द्वारा सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से जल्द इस मामले में बारीकी से जांच कराकर लापता लड़की की तलाश करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ नाबालिग से मजदूरी कराई जा रही थी और ऐसे कई नाबालिगों से आज भी यहाँ मजदूरी कराई जाती है। वहीं इस मामले को धर्मांतरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लड़की सर 27 तारीख से यहाँ इन्हीं के आदमी लेके आया था, ये वो लाने वाला कितना महीना से कैसे रह रहा था सर वो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन मंडला से यहाँ का एक आदमी गया और लाया इधर में खाना बनाने की कार्य करने के लिए, सेटर लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। काम करती थी ये रहली चर्च में वालों से वो पता करते हैं, लेकिन लगता नहीं पता करके बोल रहे थे। पता चला कि वो भूल गए, वो सेटर लोग ने फोन किया मेरे को कि लड़की यहाँ से निकल कर चली गई है, ऐसा बोले थे। अभी तक इसकी शिकायत करने के लिए हम लोग हमारे घुघरी थाना में गए। घुघरी थाने वाले साहब बोले कि जहाँ का घटना है वहीं आप रिपोर्ट दर्ज कर कीजिए, ऐसा बोला सर। ओके, घर घर गई थी सर 28 अप्रैल में और 1 मई को लड़की फिर यहाँ वापस आई और 27 तारीख से गोर हो गई। फोन पे बात आई तब 2 चक्कर बात किए हम सर बच्चे के साथ में, इसके बाद मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया बच्ची, फोन लगता ही नहीं। अच्छा, आपने आसपास कहीं और कहीं पूछा हो, रिश्तेदारों में पूछा हो? जी पूछ लिया सर। क्या बोल रहे हैं? नहीं आई बोल रहे हैं हमारे रिश्तेदारों में जाकर पता करते हैं। अब रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई थाने में लिखवाए हैं हल्का सा सर 0 पॉइंट करके केस बनाकर। रहली थाने में? नहीं सर घुघरी थाने में। रहली थाने में रिपोर्ट नहीं कराई? वही तो कराने के लिए आए हैं सर अभी। आप कौन कौन हो, कौन कौन आए आप? मेरा मामा जी आए हैं और मेरा महना भाई पट्टा जी है रामचंद्र पट्टा जी, और मेरा चाचा करा का मेरा भाई खुद का भाई कमलेश मरकाम है, और मेरा लड़का बड़ा लड़का मनोज मरकाम। ये चर्च में सर, रहली चर्च में। कितने समय से करवा रहे थे? ये समय तो मुझे ध्यान नहीं था सर, वो खाना बना जब तक नहीं बना पाई तब तक करते रहती होगी। नहीं मतलब कितने दिन तक? ये सर वो 13 जून को आई थी, मतलब लगभग 1 वर्ष थोड़ा शेष है, 1 वर्ष होने। इसमें 363 का प्रकरण अभी प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध किया गया है, इसमें विवेचना की जा रही है, पार्टी बनाई गई है और संबंधित स्थानों पर तलाश के लिए भेजी जा रही है। शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है, सभी एंगलों पर जांच, सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है।